हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर कैसे 95 प्लस स्कोर लेके आ सकते हैं लास्ट मोमेंट्स के अंदर, कौन सा मटेरियल हमें 95 प्लस दिलाएगा, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो ये सारा डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास यदि बात करें केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की एग्जाम्स के अंदर पूछी जाने वाली, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 8 मार्क्स का आपकी बार एग्जाम्स के अंदर आएगा, और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रिएक्शन जो है वो एग्जाम के अंदर आने वाली है। तो वो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर में आपने क्या क्या कवर अप करना है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो मेनली फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल से पहले आपने फॉर्मूले सभी चैप्टर के करने हैं, या हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, केमिकल काइनेटिक की बात करें, तो जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले आपने फॉर्मूले को रिटन में प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सभी को सजेशन दे रहा हूं, जब तक आप रिटन में प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा, उसके बाद आप फिर न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर की यदि बात करें, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है वो हमेशा किसके ऊपर पूछा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी इंपोर्टेंट रहेगी आपकी बार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें जो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, कोलरस लॉ की बात करें, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वो सारे फॉर्मूले आपने सबसे पहले लर्न करने हैं, और लर्न फॉर्मूले लर्न करने के साथ साथ उनके जो भी डेरिवेशंस हैं आपके वो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। यदि हम बात करें जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक, तो केमिकल काइनेटिक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो किस टॉपिक के ऊपर पूछा जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो टॉपिक रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन। तो दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे वे से करना है। उसके बाद यदि बात करें बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वाई वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट करना है वो क्या रहेगा हमारे पास, यूपीएससी नोमेनक्लेचर, और उसके बाद वीबीटी थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। डी जो हमारे पास डी ब्लॉक चैप्टर है, डी ब्लॉक के अंदर जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है आपकी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने बहुत अच्छे वे से करना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि 80/20 ये रूल फॉलो होता है, 80/20 मतलब 20% सिलेबस हमारा ऐसा होता है कि जिसके अंदर से 80% हमारे पास या 80 मार्क्स का पेपर बन के रेडी हो जाता है एग्जाम के अंदर। तो हमारे पास यदि डी ब्लॉक की बात करें, तो बच्चों डी ब्लॉक के अंदर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 3D सीरीज की, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद यदि बात करें तो मैग्नेटिक स्पिन वाला जो न्यूमेरिकल आता है एग्जाम के अंदर वो डन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 33 कैसे मार्क्स लेके आए, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 33 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो हमारे पास ये 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर के अंदर मैं आज आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बच्चों कि आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी नेम रिएक्शन, हमारे पास एटलीस्ट 48 नेम रिएक्शन है हर एक चैप्टर के अंदर, यदि आप 48 नेम रिएक्शन कर लेते हैं, रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको विद इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इन 48 को यदि मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो हमारे पास एटलीस्ट 150 कन्वर्जन रिएक्शन भी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आप नेम रिएक्शन को रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, और इन नेम रिएक्शन की यदि मैं आपको बताता हूं, आपको ये बेसिकली नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, दिखा देता हूं मैं आपको मैंने किस प्रकार के नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो हमारे पास ये देख सकते हो आप 3 रजिस्टर हैं, जिसके अंदर मैंने रिटर्न में बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे पहले जानते भी होंगे, तो 1/1 सभी चैप्टर के नोट्स देख लीजिए, बिल्कुल नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग वो नोट्स हैं, जिसके अंदर आपको सारी नेम रिएक्शन की बात करें डिटेल के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स तैयार किए आईआईटी जेईई एडवांस को देखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड हमारे पास ये सारे नोट्स हैं,
जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा बेसिकली बच्चों, हर एक प्रकार के नेम रिएक्शन, हर एक प्रकार के फॉर्मूले, प्लस यदि बात करें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज, तो ये हमारे पास देख लीजिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकेंडली यदि बात करें तो डिटेल में ये सारे नोट्स होंगे बच्चों आप सभी के लिए। उसके बाद जो भी हमारे पास या फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसके सारे क्वेश्चन देख लीजिए, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर की बात करें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में ज्यादातर फोकस उनके ऊपर होता है सीबीएसई का, वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ये आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सारे डिटेल में मैंने बिल्कुल। उसके बाद यदि बात करें बच्चों तो केमिकल काइनेटिक के हमारे पास वो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम्स में हर बार रिपीट होकर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये नोट्स आपने कहां से डाउनलोड करने, बेसिकली जैसे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चलेंगे बच्चों, वहां पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, चैप्टर वाइज सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल आपके लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके साथ यदि बात करें इंपोर्टेंट फॉर्मूले, हर एक चैप्टर के आप इंपोर्टेंट फॉर्मूले देख सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ। उसके बाद यदि बात करें हम इसके अंदर जो हमारे नोट्स के अंदर है बच्चों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन, फ्लो चार्ट, आपको सारा कुछ एवरीथिंग इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये सारा आपने बहुत अच्छी वे से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। यदि बेसिकली टेबल की बात करें तो लॉग की टेबल भी आप देख सकते हो, ये भी मैंने अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन की हुई है। तो यदि आप ये अच्छी तरह से नोट्स कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, हर एक चैप्टर के इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल की बात करें, कोई भी इंपोर्टेंट फॉर्मूले की बात करें, तो एवरीथिंग आपको मिलने वाला है और इनको आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड के साथ साथ हमारे पास ये आप टेस्ट देख सकते हैं, जो भी हमारे पास इंपोर्टेंट टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ये सारे नोट्स को आपने सिर्फ पढ़ना है। ये हमारे पास ओनली 3 रजिस्टर हैं और 3 डेज हमारे पास स्ट्रेटजी है, तो इसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ लीजिए, इनको रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी पावर ऐसी नहीं कि जो आपका 95+ स्कोर लेके ना आ सके। तो बच्चों हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है और नेम रिएक्शन सबसे पहले करनी है अकॉर्डिंग टू माई नोट्स, तो ये आपको 100% स्कोर लेके आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास ये नोट्स में आपको मिल जाएगा सारे रोड मैप ए टू जेड एवरीथिंग है हमारे पास। उसके बाद रिवीजन नोट, ये हमारे पास जो रिवीजन नोट हैं, इसके साथ साथ रिवीजन नोट क्या है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या बनाया है, वीडियो लेक्चर, इन्हीं नोट्स के वीडियो लेक्चर बना रखे हैं डिटेल के अंदर, हर एक पॉइंट को आपको समझा रखा है कि कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, उसका भी हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यदि बात करें बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर जो डाल रखे हैं स्पेशली वो कौन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उसके साथ होट क्वेश्चन। होट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो हमारे पास टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई चाहती है कि अब की बार एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो प्रायोरिटी मैं आपको दे रहा हूं, ओनली माय नोट्स इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मैं 100% ट्रस्ट से कह सकता हूं यदि आप इनको कर लेते हैं बच्चों तो 95+ आपके कहीं नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। ये बिल्कुल मैं ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स को कह सकता हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इनको करता है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी काफी इंस्टीट्यूट पे ऑलरेडी टीच करता हूं, तो जो भी बेसिकली नोट्स को कर लेता है बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आपके आईआईटीज की बात करें, जेई एग्जाम्स की बात करें, नीट एग्जाम्स की बात करें, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल है। ये सारे एनसीईआरटी डिटेल्स के अंदर एवरीथिंग आपको इनके अंदर मिलेगा। उसके बाद यदि बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे ही बच्चों आप नोट्स कर लेते हैं तो सिर्फ आपने मेरा एक सजेशन माना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू आपकी बार एग्जाम के अंदर हमारे पास कितने आने वाले हैं, 18 मार्क्स के आपकी बार एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपने कौन से करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी वाले एमसीक्यू करने हैं। और जो भी एमसीक्यू बनेंगे बेसिकली, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करें तो कोई भी नेम रिएक्शन हो सकती है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी हमारे पास डिस्टिंक्शन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, तो ये कोई भी इसके अंदर बेसिकली ऐसा क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर पूछा जाएगा, वो सारा आपको बेसिकली डिटेल्स में हमारे नोट्स में मिल जाएगा बेसिकली बच्चों। उसके बाद यदि बात करें साथ में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर लेनी है, क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री है वो सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। तो सिर्फ ये जो मैंने नोट्स आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो इनके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो साथ में आपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन भी कर लेने हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ पास मार्किंग चाहिए, तो पास मार्किंग के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, या तो आप सिर्फ क्या कीजिए, हमारे YouTube चैनल पे जाके वन शॉर्ट वीडियोस को देख लीजिए, वन शॉर्ट वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके अंदर आपको
सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वीडियोस हैं, जिसमें सब्जेक्टिव हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर वन मार्क्स क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी बीच में ही मेंशन किए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, और साथ में उसके बाद क्या करना बच्चों, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपने देखनी है। उसके साथ साथ नोट्स को आप रीड कीजिए, डाउनलोड कीजिए नोट्स को, उनको अंडरलाइन कीजिए और उनको डाउनलोड कीजिए और उसको आपने रीड करना है। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है किसी भी टॉपिक से, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके कपिल क्लासेस के नाम से वहां पर मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर हमारे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम जल्द ही रिजोल्व हो जाएगी, डोंट वरी, आप इससे टेंशन फ्री रहे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है। तो बच्चों आपको जो मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है, टाइम आपके पास बहुत कम है, इस टाइम को यूटिलाइज करके आपने अपनी प्रिपरेशन को दी बेस्ट करना है। और ये कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है, फिजिकल के अंदर आपने जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए, जो 80/20 रूल फॉलो होता है, तो सबसे पहले फिजिकल के अंदर सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल, और जो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुका हूं आपको, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। यदि बात करें हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो सेल भी कर लेने अपनी बार आपके लिए, ड्राई सेल और फ्यूल सेल क्या होता है। उसके बाद हमारे पास यदि इसके अंदर बात करें कोलर्स लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास डीबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर। और जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो कहां पर पूछे जाएंगे, हमारे पास गिब्स एनर्जी के ऊपर, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। और उसके बाद यदि 2 मार्क्स न्यूमेरिकल आता है तो वो फैराडे लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, फर्स्ट लॉ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल काइनेटिक, तो केमिकल काइनेटिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा हमारे पास सारी यूनिट्स, यूनिट कौन सी है, बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, ये यूनिट पूछी जाएंगी। उसके बाद यदि बात करें इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड, और हमारे पास जीरो ऑर्डर, ये करना है आपने। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आर्हेनियस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी बार बोर्ड एग्जाम में, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि बात करें बच्चों हम इसकी बात करें डी ब्लॉक की, मैं बता चुका हूं कोऑर्डिनेशन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या करना है, सारी नेम रिएक्शन कीजिए, नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेम रिएक्शन के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर वाइज वो ऑलरेडी वीडियो में अपने यूट्यूब पर डाल चुका हूं, तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होगी, नेम रिएक्शन क्या होगी, तो इनको आपने लर्न करना है। उसके बाद आपने कन्वर्जन करनी है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे अपने लास्ट मोमेंट्स के अंदर। तो रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 1 आवर 1 चैप्टर को आपने देना है आज से। आपने सिर्फ क्या करना है, मेरे वाले नोट्स को उठाइए, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल क्विक रिवीजन करनी है, बिल्कुल फास्ट वे में। तो कैसे करोगे, नोट्स के अंदर से अंडरलाइन कर करके एक एक चीज को लिखना है, चाहे नोट्स को आप देख के लिखिए, लिखिए सही, और जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या फिर इनऑर्गेनिक की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मोस्टली स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर कोई एक ऐसा सैंपल पेपर बता दीजिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर हम उसके अंदर से पढ़ सकें। तो बच्चों मैं तो अब की बार एक ही सैंपल पेपर को प्रेफर कर रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारे पास है मैक्स मार्क्स के नाम से। मैं इसको रिकमेंडेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर, केस बेस्ड स्टडी, एजर्सनिंग रीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन, यदि आप ये कर लेते हैं आपके लिए बहुत ही इनफ रहेंगे। साथ में यदि आपने कोई दूसरी बुक करनी है तो एग्जाम आइडिया सबसे बेस्ट बुक रहती है हमारे पास केमिस्ट्री की, तो मैं ये 2 ही बुक्स प्रेफर करूंगा, प्लस हमारे नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। तो जल्दी से आपने उन नोट्स को करना है, वीडियोस को जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की, हमारे जो भी नोट्स होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं सबकी वीडियोस यहां पर ऑलरेडी अपलोड करता रहता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तो अपने इस लास्ट मोमेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सिर्फ क्या करना है,
है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को नहीं छोड़ना, और वन शॉट वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उनको वन बाय वन जरूर देखिए। एटलीस्ट आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा इनके अंदर। जो हमारी वीडियोज है चैप्टर वन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, 1 आवर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है, तो डिटेल में है बिल्कुल, एक एक चीज आपको उनके अंदर मिलेगी। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए बच्चों, वो आपको 100% स्कोर देके आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।